कोई सेंस नहीं है उस सब का, देखिए उसकी चर्चा मत करिए। आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। अरे तो हम क्या करें, हम उसके बाप को इज्जत कौन दिया, हमने दिया ना। और उसका उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए, एमएलए मंत्री, इसके पिताजी बना दिए। कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए नीतीश कुमार काफी गर्म हो गए हैं, काफी गुस्से में आ गए हैं और इस बार जो है तेजस्वी यादव के सामने ही तमतमा गए हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को लेकर तेजस्वी के सामने ही बड़ी बात कह दी और इसके साथ ही खूब फटकार लगाई है। किसे फटकार लगा रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो साधारण है, बनाने वाला कौन, मंत्री बनाने वाला कौन, एमएलए बनाने वाला कौन, तमाम बातें नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए, उसके बाद में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसका कोई मतलब है, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। अरे तो हम क्या करें, हम उसके बाप को इज्जत कौन दिया, हमने दिया ना। और उसका उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए, एमएलए मंत्री, इसके पिताजी बना दिए। और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए। और उसको छोड़ करके गया ताज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है। कोई पार्टी बचा है, कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं। उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है। कोई सेंस नहीं है उस सबका, देखिए उसकी चर्चा मत करिए। आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए। अब तो अपनी तो अच्छी अच्छी अब तो बीजेपी करिए कि वैसा ही देख रहा है कि ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो सबसे बना दिया है, छोड़िए ना, हम वैल्यू देते हैं। तो सुना आपने, नीतीश कुमार काफी गुस्से में थे और अब ये गुस्सा किस पर था, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी के आरोपों को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र का था, उसे एमएलए और विधायक किसने बनाया, लालू यादव ने बनाया। लालू यादव को असाधारण बताते हुए नीतीश कुमार ने काफी सारी बातें कही हैं। इसके अलावा हम आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं। अब ये तस्वीर आपको पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर दिख जाएगी, जहां पर जदयू नेता छोटू सिंह के द्वारा नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया है और इसमें बड़ी बात कही गई है। क्या कुछ इस पोस्टर में लिखा गया है, हालांकि आप पढ़ भी पा रहे होंगे लेकिन हम भी आपको चाहते हैं कि पढ़कर सुना दें और बताएं कि नीतीश कुमार को कैसे इस पोस्टर के जरिए देश का दूसरा गांधी बताया गया है। देखिए लिखा है कि गांधी जी की कर्म भूमि पर समानता का पाठ पढ़ाने वाले देश के दूसरे गांधी श्री नीतीश कुमार जी। अब नाम भी आप देख रहे होंगे, छोटू सिंह जदयू के नेता है, इन्होंने पोस्टर लगाया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सम्राट चौधरी पर इस बार खूब भड़ास निकाली है और खूब गुस्से में नजर आए हैं सम्राट चौधरी पर। लगातार सम्राट चौधरी बोलते हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, या यूं कहें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही नीतीश कुमार पर बीजेपी हमलावर है और जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से तो वो लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। और जाति आधारित गणना को लेकर भी जिस प्रकार सियासत हो रही है, उसे लेकर पूछे गए सवाल पर भी नीतीश कुमार बिफर पड़े और सम्राट चौधरी के लिए कई सारी बड़ी बातें कह दी। लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया और कैसे किया तेजस्वी के सामने, वो भी आपने सुना। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।